सारण जिले के परसा प्रखंड परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी रजत किशोर सिंह ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वीडियो रजत किशोर सिंह ने कहा कि प्रखंड के पचरुखी पंचायत को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधक के लिए चयनित किया गया है, जो सभी 16 वार्डों में जन जागरूकता रथ के माध्यम से सभी ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि सूखा कचरा और गीला कचरा कहाँ और कैसे रखना है। इस मौके पर लाल बहादुर राय, संजय कुमार सिंह, विकास मित्र अनिल कुमार, कृपालक सहायक विकास कुमार, वी सी रानी कुमारी, समाज सेवी मनोज मिश्रा, त्रिशूल क्रिकेट अकेडमी सारण और सोलफील अकेडमी क्रिकेट के सभी खिलाड़ी मौजूद थे। परसा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। प्रखंड परसा में हम लोगों ने पचुखी पंचायत, जो कि ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चयनित है, उस वार्ड पचुखी के सभी वार्डों में जागरूकता अभियान के तहत प्रचार गाड़ी की हरी झंडी आज हम लोगों ने दिखाया है। उसका यही उद्देश्य है कि हर एक वार्ड में वो गाड़ी जाएगी और जा करके ठोस तरल कूड़े को अलग अलग निपटान करने हेतु जो सरकार की योजनाएं आई हैं, और इसकी शुरुआत अभी सारण जिले में प्रखंड परसा के पचरुखी पंचायत से किया जाना है। उसके लिए जागरूकता अभियान चलेगा और डोर टू डोर ये जा करके इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप लोग अपने घर में जो भी कूड़ा करकट होता है, जिसको कि कूड़ा समझते हैं, उसका अलग अलग निपटान करें, ठोस को अलग डब्बे में रखें और कचरे ये गीला को अलग डब्बे में रखना है, मतलब गीला को हरे में रखना है और ठोस को नीला में रखना है, नीले के डब्बे में रखना है और उसका समुचित निपटान करना है। अभी हम लोग कूड़ा करकट को ये जान करके बाहर फेंक देते हैं, ये घर के फालतू चीज है, लेकिन नहीं, अब कूड़े करकट से भी पैसे आमदनी हमारे लाभुकों को होगा और स्वच्छता के ODF+ की ओर परसा प्रखंड अग्रसर हो रहा है।